ओके, तो आज अपन बात करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट के ऊपर। फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, देखिए यहाँ पर 29 अगस्त को हमने आप लोगों को प्रॉपर वीडियो के साथ अपडेट किया था कि यहाँ पर अगर फेक ब्रेकआउट नीचे मिलता है तो अपन बाई करेंगे पुट ऑप्शन को, और यहाँ पर अगर ऊपर की साइड मिलता है तो कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, क्योंकि अपन लोग एक बाइंग पोजीशन रखते हैं। इसके कारण यहाँ पे अपने पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि अपन लोग शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर दें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब जैसे ऑपरेटर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ये रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट है, फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिंपली रेंज बाउंड मार्केट के बाद ही फेक ब्रेकआउट आता है, अधिकतर नहीं आता है, कई बार आ भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट था, कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, देखिए यहाँ पर जो एक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल जनरली स्टॉक मार्केट के अंदर, ये स्टॉक मार्केट का नेचर है ही नहीं, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी काम कर रही है, कैसे क्या, ये ब्रेकआउट के बाद कई लोगों को भी लगता रहा होगा ना कि 17,303 के नीचे जैसे ब्रेकआउट मिलता है अपन लोग बाई करेंगे, पुट ऑप्शन पे अपन लोग एंट्री लेंगे या कि फिर कॉल ऑप्शन पे शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कॉल को लोग बेचना स्टार्ट किए, बेचना स्टार्ट किए, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर क्या कर रहे थे, ऑपरेटर्स वर्क कर रहे थे, ठीक है, नीचे आया मार्केट, नीचे आया जैसे ही, तो यहाँ पर ऑपरेटर जो रहते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को बाई करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या किए, अपना सारा कैपिटल लगा के, सारा या अपना जो 5% कैपिटल है उसको लगा के पूरी क्वांटिटीज़ को बाई करना स्टार्ट किए। यहाँ पर लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, यहाँ पर उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया। जैसे ही अब ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, जैसे ही मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे हो गया उनके प्रीमियम का प्राइस डाउन, प्रीमियम का प्राइस जब डाउन हो गया तो इन्हें यहाँ पे बाय कर लिया। ये इनका फंडा होता है, ये लोग पहले मार्केट को नीचे लाते हैं, उसका प्राइस कम होता है, प्राइस कम हुआ तो यहाँ पर उसको अप ले जाते हैं। अब जब उनने कम प्राइस में उन्हें खरीदा और अप ले गए, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में करते हैं ये सब चीज़ें, तो इसके कारण अपन लोगों को लगता है कि अपन लोग फेक ब्रेकआउट के अंदर एंट्री कर लिए। इसलिए अपन आप लोगों को हम हमेशा बोलते हैं रीटेस्ट में एंट्री लो, फेक ब्रेकआउट के अंदर एंट्री आप लोगों को लेना ही नहीं है, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे जब फेक ब्रेकआउट मिला, इनने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट किया, प्रीमियम का प्राइस कम किए, उसके बाद अगेन इनने बाय करना स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा प्राइस पे, ठीक है, धीरे 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 बहुत सारा क्वांटिटी ने बाय करना स्टार्ट किया। और जब बाय करना स्टार्ट किया तो अपन ने बताया था यहाँ पे रीटेस्ट में एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक बार एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ये रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद ग्रीन कैंडल बनी, अपन ने एंट्री कर लिया था यहाँ पे, उसके बाद ये फिर रीटेस्ट के लिए आया, सपोर्ट लिया और उसके बाद ये अब चला गया, यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट बुकिंग किया था, आप लोगों को बताए भी थे। तो आप लोग कई तरीके से आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है या नहीं है, आप लोगों को कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, कब पुट ऑप्शन में एंट्री करना है, कब कॉल ऑप्शन में एंट्री करना है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।